हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों मैं आज आया हूँ प्राचीन इतिहास एक स्थल है चुनार का किला। मैं आज वहाँ आ चुका हूँ और यही रास्ता जाता है चुनार के किला पे। तो चलिए हम चलकर वहाँ की पूरी स्थिति पूरा स्थल आपको दिखाते हैं और वहाँ की जितनी बहुत नॉलेज हमारे पास है पूरी जानकारी आपको मैं इस ब्लॉग में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, यही रास्ता है चुनार के किला के। दोस्तों जो ये सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, इसके दाहिने तरफ चुनार का किला घूमने का स्थान है, बाएं तरफ पीएससी कैंप है। तो दोस्तों आगे चलकर हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों 18 अप्रैल सन 1924 को मिर्जापुर के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दुर्ग पर लगाए गए एक शिलापट्ट द्वारा विवरण लिखा गया है कि जिसके अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद 1141 से लेकर 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान 1198 में शहाबुद्दीन गौरी 1333 से स्वामी राज 1545 से जौनपुर के मोहम्मद शाह सरफी 1512 से सिकंदर शाह लोदी 1529 से बाबर 1530 से शेर शाह सूरी 1536 से हुमायूं आदि शासकों का अधिपत्य रहा है। दोस्तों शेर शाह सूरी के हुए युद्ध में हुमायूं ने इसी किले में शरण ली थी। इस किले का पुनः निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया था। इस किले के चारों ओर ऊंचे ऊंचे दीवारों का निर्माण है। इस किले के सूर्य का नज़ारा देखना मनोहारी होता है। कहा जाता है कि एक बार इस किले पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। उस समय यह किला अवध के नवाबों के अधीन था। 1530 में शेरशाह सूरी ने चुनार की किलेदार ताजशाह की विधवा लाडमल्लिका की विवाह करके चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार कर लिया था। उसे यहाँ मल्लिका की काफ़ी संपत्ति भी मिली। वर्ष 1532 में जब मुगल बादशाह हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला तो 4 महीने घेरे के बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी। अंत में हुमायूं ने संधि कर ली और चुनार किला शेरशाह सूरी के पास रहने दिया। 1538 में हुमायूं ने तोपखाने की सहायता से तथा चालाकी से 6 महीने प्रयास के बाद चुनार गढ़ पर अधिकार कर लिया। दोस्तों आपके सामने जो ये खूबसूरत महल का नज़ारा दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ चुनार पर आने वाले जो मंत्रिमंडल और भाषण देने वाले नेता लोग आते हैं यहीं पर उनको ठहरने के लिए इसका मरम्मत कराई गई है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कहीं पर भी चुनार के किले की मरम्मत नहीं कराई गई है, कहीं पर भी पेंट वेंट नहीं किया गया है। जो जैसे टूटा है वैसे ही है। सिर्फ यही एक स्थान है चुनार के किले पर जहाँ मरम्मत कराई गई है। और दोस्तों इसके आगे जो घेरा लगा हुआ है, यहाँ से आप गंगा माँ को आराम से देख सकते हैं और यहीं से वे जो चुनार का ब्रिज है वो भी साफ साफ दिखाई देता है। दोस्तों इस समय कोहरा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम आगे लोकेशन पर चलते हैं और आपको आगे की जानकारी देते हैं। दोस्तों यहीं से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद चुनार के किले में स्थित कुआँ मिलेगा। तो दोस्तों आगे हम चल रहे हैं और चलने के बाद जो आगे सामने बाएं तरफ का रास्ता दिखाई दे रहा है वहां से मुड़ेंगे तो वहीं के मुड़ने के बाद सामने जो दिखाई देगा रास्ता वही चुनार के रहस्यमयी कुएं के पास जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम वहां चल के कुआँ दिखाते हैं और कुआँ के बारे में कुछ आपको बताते हैं। दोस्तों इस कुएं के लोग मौत का कुआं या रहस्यमयी कुआं कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। दोस्तों प्राचीन काल में रानी और रानी के जो साथी होती है यहीं पर स्नान करने के लिए आती थी। और दोस्तों यहां पर देखिए छोटा छोटा एक
गोखा टाइप बनाया गया है जहाँ पर दिया रखा जाता था, और इस कुएं में जाने के लिए एक सीढ़ी का निर्माण भी हुआ है। तो चलिए हम आपको उस सीढ़ी पर लेकर चलते हैं और वहां से आपको इस कुएं का नज़ारा दिखाते हैं। तो दोस्तों यही वो रास्ता है, सीढ़ी जो अंदर जाता है। दोस्तों इस समय ये गेट टूट गया है और बंद हो चुका है, जाने के लिए मार्ग नहीं है, नहीं तो हम आपको अंदर चल के कुएं का नज़ारा दिखाते। तो दोस्तों अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर और वहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, यदि ब्लॉग में मज़ा आया तो हमें कमेंट। दोस्तों यहाँ पर पत्थर की सीढ़ियाँ बनाई गई है, कहा जाता है कि यहाँ पर हाथी एवं घोड़ों को चढ़ने के लिए पत्थर पर लकीर यानी कटिंग की गई है। जी हाँ दोस्तों, अब जब यहाँ से आप दाहिने तरफ बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको एक गेट मिलेगा। दोस्तों गेट के अंदर जाने के बाद आपको जो ये सामने के तरफ दिखाई दे रहा है यही सुनवा मंडप है, और बाएं तरफ जो देख रहे हैं वही कारागाह है। आपको बता दें कि यह कारागाह वारने हास्टिन के समय बनाया गया। नेक्स्ट लोकेशन नेक्स्ट ब्लॉक के साथ।